हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेंडीजी क्लासेस में। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 3 करने वाले हैं, क्लास 11 का, तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो इससे पहले मैं बाकी का दो चैप्टर करवा चुका हूँ। आपको अगर उनके लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। साथ में ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए कमेंट करें, आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन में लेके आऊंगा। और अगर इस चैप्टर को पूरा अच्छे से आपको समझना है तो उसके लिए भी कमेंट करिएगा, तभी मैं जाके इसके लिए भी अलग से आपका वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको डिटेल में चैप्टर 3 के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में जो पूछा जा रहा है वो है आपका, वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो तीन महादेशों यानी कि महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो आपको बताना है कि जैसे कि यहाँ पर चार ऑप्शन मिल जाता है। पहला है आपका रोमन साम्राज्य, दूसरा है ब्रिटिश साम्राज्य, और तीसरा है यूनानी साम्राज्य, चौथा है ययावर साम्राज्य। तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन मिलता है, चार में से एक आपका ऑप्शन जो रहता है वो आपका करेक्ट रहता है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो अगर आपका, देखिए यहाँ अगर पूछा जाए आपसे कि प्राचीन साम्राज्य जो तीन महाद्वीपों में फैला हुआ है, अगर प्राचीन साम्राज्य की बात हो रही है और तीन महाद्वीपों में फैला हुआ है बोल रहा है, तो वो आपका होगा रोमन साम्राज्य। क्या हो जाएगा? रोमन साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका पूछा जा रहा है रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा कौन सी थी। तो इसमें भी आपको चार आपको मिल जाएंगे, जैसे कि अंग्रेजी हो गया, लैटिन हो गया, संस्कृत हो गया, अरबी हो गया। देखो, बात अगर रोमन की आ रही है, ठीक है, तो रोमन में अरबी और संस्कृत ये नहीं चलती है, तो ये दो चीज हम लोग काट देंगे। अब यहाँ पर अपना दो ऑप्शन आता है, एक अंग्रेजी, दूसरा है लैटिन। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो अपना है लेकिन लेकिन भाषा का क्या होता है अपना, रोमन साम्राज्य में यूज होता है। अंग्रेजी भाषा कौन सा साम्राज्य में यूज होता है आप कमेंट करके मुझे बताएं। साथ में संस्कृत का भाषा जो है वो भी कौन सा साम्राज्य में यूज होता है, ये भी नीचे आप मुझे कमेंट में दें। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि पूछा जा रहा है कि धनी कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता था वो क्या कहलाता था। वो कहलाता था अपना सीनेट। क्या कहलाता था? अपना सीनेट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्लास थोड़ा सा स्पीड में करते हैं क्योंकि थोड़ा सा अपना जल्दी अगर खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट अपना चैप्टर आप देख सकते हैं इजिली। और साथ में क्या है, ज्यादा लॉन्ग बनाने से कोई फायदा नहीं है। तो चलिए हम फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। तो वो आपका था विदेशी बर्बर, ठीक है। तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर है अपना ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर तो आपको सबको पता होगा। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था। अशोक का जो अभिलेख था उसमें कौन सा भाषा का प्रयोग हुआ था, ये आपको नीचे कमेंट करके मुझे बताना है। यदि आपको आंसर नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट करें, मैं उसका आंसर आपको कमेंट में दूंगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये आपका है, गोथ बैंड और लोम्बाई किस मूल के समूह थे। तो वो था अपना जर्मन समूह। कौन सा था? अपना जर्मन समूह, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है, दिनारियस का अर्थ क्या होता है। जो दिनारियस होता है उसका अर्थ होता है चांदी का सिक्का। क्या होता है अपना? चांदी का सिक्का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है अपना, वो है जूलियस सीजर था। जूलियस सीजर क्या था? वो अपना था सेनापति था। कौन था? सेनापति, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है पेंथियन क्या था। पेंथियन जो है वो एक मंदिर था। क्या था अपना? एक मंदिर था। तो ये भी हो जाएगा अपना क्या है, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है, रोग का प्रथम सपाट कौन था? रोग का जो प्रथम सपाट था वो अगस्टस था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी अगस्टस। देखो ये जितने सारे क्वेश्चन है वो सारे कभी ना कभी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था? देखो जब रोम जल रहा था तो एक शासक था वो क्या कर रहा था, बांसुरी बजा रहा था। वो जो शासक था वो था नीरो शासक। कौन था? नीरो शासक, ऑप्शन नंबर सी। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, इसका डिटेल वीडियो में लेके आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? वो थी आपकी टालमी, टालमी राजवंश से थी। किससे थी? टालमी। देखो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो बोल रहा है कि एकल परिवार क्या होता है? देखो एकल परिवार वो होता है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे होते हैं, यानी क्या हो गया अपना पुरुष हो गया, उसकी पत्नी हो गया और उसके बच्चे, यानी पति पत्नी और उसके बच्चे, तो ये क्या हो जाएगा अपना, तीनों आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। वो उसे क्या कहते हैं? एकल परिवार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जूलियस सीजर किस देश का शासक था? वो था अपना रोम का। जूलियस सीजर कहाँ का शासक था? वो अपना था रोम का शासक था। क्वेश्चन नंबर 15, आहुर माजदा कौन है? आहुर माजदा भगवान है। क्या है अपना? भगवान है आहुर माजदा। क्वेश्चन नंबर 16, रोम साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? वो था अपना गेलन। प्रसिद्ध जो चिकित्सक था वो अपना कौन था? गेलन था। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है, अगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ था, यानी कि कब बैठा था वो? तो वो जब बैठा था वो था अपना 27वीं ईसा पूर्व में। कब होता? 27, ठीक है। तो आज का आखिरी जो क्वेश्चन है वो अपना है, अगस्टस का शासनकाल क्या था? तो उसका शासनकाल था 27वीं ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व। एक मिनट, इसमें कुछ